इंडिया में 37,000 से ज्यादा मौतें, 9 दिन बाद भी लोगों को जिंदा बाहर निकाला जा रहा, ऑपरेशन आखिरी दौर में पहुंचा। भारतीय मूल के निकी लड़ेंगे यूएस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन, वीडियो मैसेज में कहा नई जनरेशन को मिले मौका। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर जनता, सरकार का प्रस्ताव संसद के फैसले पर अटक नहीं सकेगा सुप्रीम कोर्ट। सऊदी अरब की महिला एस्ट्रोनॉट जाएगी स्पेस स्टेशन, रियाना पर नाभि की ट्रेनिंग जारी। बारहवीं की परीक्षाएं, देश भर में बनाए गए 7,250 परीक्षा केंद्र। राज्यों में एनआईए की छापेमारी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की 60 ठिकानों पर। चीन के जासूसी बैलून पर यूएस का बयान, जासूसी ही कर रहा था चीनी बैलून। अमेरिका का रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बड़ा दावा, कहा पुतिन की नजर यूक्रेन के मित्र देश मोल्दोवा पर। अमेरिका के बाद रोमानिया में दिखा संदिग्ध गुब्बारा, रोमानिया के दक्षिण पूर्व में दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, 11,000 फीट की ऊंचाई पर दिखा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रहा वित्तीय तनाव, आईएमएफ के साथ स्वतः रद्द होने से बड़ा खतरा, फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को किया डाउनग्रेड। जम्मू कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाले, गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फ के चलते जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे सैलानी। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे फिजी, नाड़ी के बार पे विश्व हिंदी सम्मेलन का किया उद्घाटन, फिजी के राष्ट्रपति काकू निपेरे भी रहे मौजूद। अडवाणी में जनता के लिए शुरू की गई नई पहल, बैंक पहुंचेगा आपके घर, बैंकिंग ऑन व्हील्स बान की जोगिंदर पाल सिंह रोटेला ने दिखाई हरी झंडी। बुरहानपुर जिले में संत शिरोमणि श्री सेवालाल की 284वीं जयंती मनाई गई, घाघरला में माता मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। लुधियाना में पुलवामा के वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शहीद भगत सिंह सर्किल पर कैंडल मार्च के माध्यम से दी श्रद्धांजलि, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुआ था आतंकी हमला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फिजी के दौरे पर, नाड़ी में शिव सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना, बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने 14 फरवरी को पहुंचे दिव्य सिंह। G20 समिट से पहले सजने लगी दिल्ली, निजामुद्दीन बस्ती में मल्टी लेवल पार्किंग का हुआ उद्घाटन, LG विनय गौतम सहित अश्विनी कुमार रहे मौजूद। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एयरो इंडिया शो में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान, हेलीकॉप्टर बड़ी संख्या में थलसेना और वायुसेना में शामिल करने की योजना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को दी मंजूरी। भारतीय क्रिकेट टीम ने फहराया परचम, T20 वनडे फॉर्मेट में बनी नंबर वन, T20 वनडे में टीम इंडिया पहले स्थान पर, कई भारतीय खिलाड़ी भी टॉप 10 में शामिल। निक्की की लाश लेकर 35 किलोमीटर घूमता रहा लिव इन पार्टनर, कार में शादी को लेकर हुआ था झगड़ा, चार्जर्स से गला घोटा, बॉडी फ्रिज रखी। बुरहानपुर में MKN न्यूज की खबर का सर, सरकारी माध्यमिक विद्यालय के 40 छात्रों के बीमार होने के मामले में प्रधान पाठक गया प्रसाद दुबे सस्पेंड, इंदौर संभाग आयुक्त की कार्यवाही। गुड़बाई बेतवा पुल के पास भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, बाइक सवार की मौके पर ही मौत। जालना में गुरु रविदास और त्यागमूर्ति माता रमाई जयंती समारोह मनाई गई, BMC विचार मंच और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सहयोग से मनाई गई, समारोह में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। बुरहानपुर जिले के ग्राम घगरला में संत शिरोमणि सेवा लाल बापू की 284वीं जयंती मनाई गई, नगर में विशाल रैली निकाली गई, नेहरू स्टेडियम में संतों ने